बड़ी खबर सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस की टीम जो कि मुंबई में मौजूद है, उसने सुशांत की बहन मीतू सिंह से बातचीत की है, पूछताछ की है, बयान दर्ज किया है और इस पूरे बयान दर्ज करवाने के सिलसिले में मीतू सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। 9 जून से लेकर 12 जून तक क्या कुछ हुआ था, इसका पूरा किस्सा मीतू सिंह ने बताया है। रिया ने 8 जून की शाम को मीतू सिंह को फोन किया था और फोन करके बताया था कि उनके और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ है और इस बातचीत के बाद रिया घर छोड़कर चली गई थी। रिया अपने साथ कुछ सामान भी लेकर चली गई थी, ये बात भी कही है मीतू सिंह ने। और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जैसे रिया ने उन्हें झगड़े के बारे में बताया, वो अगले दिन सुशांत के घर पर चली गई थी। रिया से झगड़े के बाद सुशांत लगातार परेशान थे, ये बात कही है मीतू सिंह ने। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सुशांत के घर जाकर कुछ दिन रही। 12 जून को हालांकि वो वापस आ गई थी क्योंकि उनके बच्चे घर पर अकेले थे। 5 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। कल हमारे खास जो देश की बहस में सुशांत सिंह राजपूत के मामा जुड़े हुए थे और उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर सवाल उठाए और साथ ही जो वकील हैं सुशांत के पिता के, उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक्शन में पुलिस है। बिहार पुलिस की जो टीम मुंबई में मौजूद है, लगातार वो तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और सुशांत की बहन से उसने पूछताछ की है। नौकर का भी बयान दर्ज हो सकता है। क्या ये सब कुछ 15 करोड़ का कनेक्शन है? क्या इसी के चलते, पैसों के चलते रिया चक्रवर्ती ने ऐसा घेरा मजबूत कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार से दूर हो गए, दिमागी परेशानियों में घिर गए और उसके बाद वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। सवालों के घेरे में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है और अब मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ भी करने वाली है। शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जो कि लगातार मुंबई में मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में FIR दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस जांच के लिए इस वक्त मुंबई आई हुई है और इस मामले में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि उनके पिता ने, सुशांत के पिता ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह से रिया ने कई करोड़ रुपए जो हैं वो ऐठे और कहीं ना कहीं उनके जो रिलेशंस थे उन्हें भी लिमिट करने की कोशिश जो है वो रिया करती थी, लिहाजा उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुशांत के निधन के बाद उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे 2 बार बिहार जाकर आ चुकी हैं क्योंकि सुशांत की छोटी बहन से उनकी अच्छी तालमेल है और उस दौरान उन्होंने अपने चैट्स भी दिखाए थे। जब मणिकर्णिका रिलीज हुई थी उस दौरान सुशांत से अंकिता लोखंडे के बीच जो चैट पर बातचीत हुई थी वो उन्होंने उनकी बहन को दिखाया था और जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि वो रिलेशन को लेकर परेशान हैं और यह बात सुशांत के परिवार द्वारा बिहार पुलिस को बताई गई है, जिसके बाद बिहार पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और इस सिलसिले में अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा बिहार पुलिस ने अब तक सुशांत की बड़ी बहन जो कि गोरेगांव में रहती हैं श्वेता सिंह, उनसे उनका बयान दर्ज किया है। इसके अलावा सुशांत के एक नौकर का बयान जो है वो दर्ज किया है। इसके अलावा अब इस मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ अन्य और भी लोगों का बयान दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पुलिस अभी, बिहार पुलिस की अगर बात करें तो अपने FIR के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसे तलाश रही है और उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती से अप्रोच करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। शैलेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। रिया चक्रवर्ती से बिहार पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है। घेरा कसता जा रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है रिया चक्रवर्ती पर। लेकिन इससे पहले बिहार पुलिस की टीम ने जो सुशांत की बहन से बातचीत की है, उस बातचीत में क्या बड़े खुलासे हुए हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लीजिए। पहला बड़ा खुलासा, रिया ने 8 जून की शाम मीतू सिंह को फोन किया था और इस फोन पर बातचीत में उन्होंने सुशांत से झगड़े का जिक्र किया था कि सुशांत सिंह राजपूत से उनका झगड़ा हो गया है। दूसरी बड़ी बात, झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर चली गई थी, ये बात बताई है मीतू सिंह ने पुलिस की टीम को। वह जब वो घर गई थी तो अपने साथ को कुछ सामान लेकर भी चली गई थी, जिस सामान का जिक्र उनके पिता ने भी अब कर दिया है। सुशांत ने रिया से बहस के बारे में बहन को बताया था और इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत लगातार परेशान चल रहे थे। रिया से झगड़े के बाद परेशान थे, काफी बेचैन रहते थे उन दिनों में। रिया से झगड़े के बाद बहन मीतू सिंह सुशांत के घर गई क्योंकि उनके भाई परेशान थे, इसलिए वो भाई के पास रहने के लिए गई। लेकिन 12 जून को वो वापस अपने घर आ गई थी वर्सोवा में जहाँ पर वो रहती हैं। 14 जून को सिद्धार्थ पिठानी ने फोन कर बताया था कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे। इसके बाद किसी आशंका ने उनके मन को घर कर लिया और उसके बाद वो तुरंत सुशांत सिंह राजपूत के घर की ओर दौड़ पड़ी और उसके बाद जाकर चाबी बनाने वाले को बुलवाया गया और उसके बाद दरवाजा खुलवाया गया।
शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं मुंबई से। शैलेंद्र, ये बड़े खुलासे किए हैं मीतू सिंह ने, जो पुलिस को उन्होंने बयान दिया है और सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताया है और उस घटनाक्रम के हिसाब से शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती। देखिए, जाहिर तौर पर अगर बात करें मीतू सिंह की, तो मीतू सिंह ने यही स्टेटमेंट जो है वो मुंबई पुलिस के सामने भी दिया था। और अब चूंकि बिहार पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर चुकी है, तो बिहार पुलिस ने भी कल शाम को अप्रोच किया था और उस दौरान मीतू सिंह ने अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया। इस बीच में आपको बता दूँ कि रिया चक्रवर्ती और उनके जो भाई सोवित चक्रवर्ती हैं, उनका इस समय कोई अता पता नहीं है, लिहाजा उनकी जो मैनेजर श्रुति मोदी हैं वो संपर्क में आई हैं, बिहार पुलिस के ऑफिसर के संपर्क में आई हैं। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि श्रुति के ज़रिए जो पुलिस है वो चक्रवर्ती जो भाई बहन है उन तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इस बीच जिस तरह का स्टेटमेंट जारी किया, जिस तरह का स्टेटमेंट दर्ज करवाया गया है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की जो टीम है वो लगातार रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती फिलहाल वो संपर्क में नहीं आ पा रहे। उनकी जो मैनेजर हैं वो बिहार पुलिस के संपर्क में हैं, तो क्या वो अपने घर पर नहीं है या फिर गिरफ्तारी की डर से वो कहीं गायब हो गए हैं? देखिए, कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो दोनों भाई बहन जो हैं वो घर पर मौजूद नहीं हैं। हालांकि पुलिस की टीम जो है उनके संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और इस बीच श्रुति मोदी, जो कि इनकी मैनेजर बताई जा रही हैं, और कुछ पेपर्स जो हैं वो उन्होंने सोवित चक्रवर्ती के तौर पर साइन किया था, लिहाजा श्रुति मोदी जो हैं वो संपर्क में आई हैं पुलिस के। और पुलिस को उम्मीद है कि श्रुति मोदी के जरिए दोनों भाई बहन, चक्रवर्ती भाई बहन तक भी वो पहुँच लगी। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो बैंक अकाउंट्स को भी खंगाल रही है, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं सुशांत के पिता ने, गिरफ्तारी से पहले जो पुलिस है वो उससे पुख्ता कर लेना चाह रही है कि आखिर क्या क्या वजह रही है और किन किन वजहों की वजह से उनके परिवार ने ये सब आरोप लगाए हैं। जी ठीक है, शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि बिहार पुलिस की टीम उसकी जाँच कैसे आगे बढ़ रही है जो मुंबई में मौजूद है, और सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की है बिहार पुलिस की टीम ने और बाकायदा उनका बयान दर्ज किया है, जिसमें 9 तारीख से 12 तारीख तक क्या कुछ हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से मीतू सिंह ने बिहार पुलिस के सामने रख दिया है। और यही बयान उन्होंने रखा था मुंबई पुलिस के सामने भी, जो बड़े आरोप है 10। सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया, रिया चक्रवर्ती ने यह पहला बड़ा आरोप, सुशांत को बंधक बनाकर रखा, यानी उनके परिवार, उनके करीबियों और उनके भरोसे के लोगों से दूर कर दिया, दवा का ओवरडोज दिया, ये बड़ा और गंभीर आरोप है, मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की धमकी दी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को, अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ ट्रांसफर किए और इन पैसों का इस्तेमाल यूरोप में छुट्टियां बिताने के लिए किया था, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, ये दोनों कार्ड और इनके पिन नंबर रिया चक्रवर्ती के पास थे, सुशांत सिंह को परिवार से दूर कर दिया ताकि वो अपने मन की बात, अपनी परेशानी अपने परिवार से शेयर ना कर सके, सुशांत का सिम कार्ड बदल दिया था, यानी मोबाइल नंबर बदल दिया था, सुशांत सिंह के स्टाफ को भी बदल दिया था और अपने भरोसे के लोगों को रख दिया था सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। सुशांत को फिल्म का अगर ऑफर मिलता है तो शर्त रखी थी कि काम तभी करेंगे जब लीड एक्ट्रेस का रोल वो रिया चक्रवर्ती को दिलवाए। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में पिता की FIR के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत का परिवार बता रहा है कैसे रिया सुशांत को परिवार से दूर कर रही थी, कैसे सुशांत के पैसे से रिया आलिशान जिंदगी जी रही थी। हमारे खास शो देश की बहस में सुशांत के मामा ने रिया को लेकर कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जो हैरत में डाल देते हैं कि किसी को बेइंतहा प्यार करने का अंजाम ये भी हो सकता है। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करने, कोई बातें नहीं करनी। सुशांत सिंह राजपूत, एक लड़का जो बिना किसी फिल्मी परिवार के होने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी अदायगी की नई इबारत लिख रहा था। सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा, सपने बहुत बड़े हैं, एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा। सितारों के बीच अपनी अलग जगह बना रहा था, लोग जिसे अगला शाहरुख खान कहने लगे थे, अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गया। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये राजा तो मर गया। सुशांत की मौत ने एक बार फिर चमचमाती फिल्मी दुनिया का स्याह पहलू दुनिया के सामने ला दिया था। आरोप लगने लगे कि सुशांत बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म का शिकार हो गया। मुंबई पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो निर्देशक संजय लीला भंसाली से लेकर महेश भट्ट तक को
पुलिस चौकी की जमीन नापनी पड़ी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब एक महीने बाद उसके परिवार ने ऐसा खुलासा किया कि हर कोई सन रह गया। सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने जो आरोप लगाए उसके बाद न सिर्फ इस केस के समीकरण बदल गए बल्कि कार्रवाई की दिशा भी एकदम अलग हो गई। सुशांत के पिता ने बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ब्लैकमेल किया करती थी। उसने सुशांत का मोबाइल फोन बदलवा दिया था, परिवार से दूर रखने का आरोप भी लगाया गया। न्यूज नेशन ने भी सुशांत के पिता के आरोपों की तफ्तीश की। इस दौरान हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा ने जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उन्होंने बताया कैसे रिया एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को उनके परिवार से दूर कर रही थी। हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत में भी रिया का हाथ हो सकता है। दिशा कुछ समय सुशांत की मैनेजर रही थी और सुशांत के सुसाइड से कुछ दिन पहले उन्होंने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत के मामा ने बॉलीवुड के गैंग को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि वो सुशांत को इसलिए भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि सुशांत एक राष्ट्रवादी थे और बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे। कलाकार के साथ साथ एक राष्ट्रवादी कलाकार था, ये भी वहाँ के लोगों को उस गैंग को नहीं अच्छा लगता था कि ये राष्ट्रवादी है। जब ये इसकी जब मरने की खबर गई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, कोई राजनेता अगर कोई ट्वीट किया था तो प्रधानमंत्री ने किया था और प्रधानमंत्री को दुख मन व्यतीत किया था कि ये राष्ट्रवादी कलाकार था। हमारे शो देश की बहस में सुशांत के मामा RC सिंह ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि सुशांत के परिवार ने इतने दिन बाद FIR दर्ज क्यों कराई। परिवार ने एक एक चीज पर अपना फोकस बनाए हुए था, अपना निगाहें। सुशांत के मामा ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हमारे शो देश की बहस में किए, जिससे साबित होता है सुशांत के सुसाइड के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है जिसका सच दुनिया के सामने आना जरूरी है। टीम न्यूज नेशन।